हाय गाइस, दिस इज विजय फॉर टेक विद विजय। आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 के बारे में, यानी आईओटी 4.0। इस रिवोल्यूशन का अपनी जिंदगी पे क्या असर होने वाला है? जो भी असर होगा पॉजिटिव होगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। इंडस्ट्रियल 4.0 यानी आईओटी 4.0 रिवोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले पहले तीन रिवोल्यूशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले रिवोल्यूशन आया था जिस वक्त वाटर रश टीम की मदद से एक मशीन बनाई गई थी 1784 में, उसका पहले बार इस्तेमाल हुआ था। सेकंड रिवोल्यूशन आया था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली एक मशीन बनाई गई थी एज अ कन्वेयर बेल्ट, उसका यूज होता है 1870 में। सो एक इसका एक इसका यूज सबसे पहले किया गया था एक स्लॉटर हाउस में, मतलब कतल खाने में, सिनसिनाटी सिटी ओयो स्टेट के अंदर। उसके बाद में सीधा रिवोल्यूशन जाके आया था 1970 के अंदर। 1970 के अंदर जो रिवोल्यूशन आया था, उस रिवॉल्यूशन में सीमेंस कंपनी ने एक कंप्यूटर बनाया था जो कंप्यूटर एक मशीन ऑपरेट कर सकता था। अब जो रिवॉल्यूशन आने वाला है इसे कहते हैं आईओटी 4.0, इंटरनेट ऑफ थिंग्स 4.0। इसे आसान आसान भाषा में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन सारी मशीनों में एक सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगे होंगे, सारे सेंसर्स इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, सारे सेंसर्स का आईपी एड्रेस अलग होगा, खुद का हर सेंसर का खुद का आईपी एड्रेस होगा, और जो कि एक जगह से मॉनिटर किया जा सकता है। वर्कर से लेके सुपरवाइजर तक, सुपरवाइजर से लेके मैनेजर, मैनेजर से लेके ओनर तक, सारे लोग अपना अपना काम देख सकते हैं किसी जगह पर बैठे। आप इसे मोबाइल फोन से भी देख सकते हो, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं से भी चेक कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक दवाई की बोतल है, उसके अंदर दवाई भरनी है और उसे फिर पैक करना है। तो सबसे पहले बोतल निकलेगी कन्वेयर बेल्ट से, इसके अंदर एक RFID चिप लगी होगी जो आगे जाके सेंसर को बता देगी कि उसके अंदर कितना दवाई भरना है। वो सेंसर उस RFID चिप की मदद से रीड कर लेगा कि इसके अंदर ये दवाई भरनी है, वो उसके अंदर उतनी क्वांटिटी में दवाई भर देगा। आप अज्यूम कर लो 60 ml उसने भर दिया है। आगे जाके बोतल क्वालिटी कंट्रोल में जाएगी, फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा, फिर उसके बाद में जाएगा क्वालिटी चेक होगा, क्वांटिटी चेक होगा, फिर उसके बाद में बोतल को सील किया जाएगा, उस पर लेबल लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसका हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप ये मान के चलो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से आपके हाथ में जो प्रोडक्ट आने वाले हैं वो सस्ते होने वाले हैं। और आप अगर ये सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट मतलब ऐसी मशीनें मार्केट में आने के बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। आप अगर ये सोचो कि RFID बनाना है, आपको बोतलें बनानी है, तो सारी जगह तो ह्यूमन पावर तो बिल्कुल लगने भी वाली है, लेकिन जो सेंसिटिव चीज़ें जिसके अंदर ह्यूमन के एरर्स ज़्यादा हुआ करते थे, ह्यूमन की पावर ज़्यादा लगा करती थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, पीस।